हे वो सब गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खतरनाक क्रिएशन। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फेस को प्रोफेशनली तरीके से कैसे स्मूथ कर सकते हैं, वो भी गाइज स्नैपसीड एप्लीकेशन में। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं, प्लस उसमें शाइनिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। तो गाइज, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए गाइज, विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करें। सो यहाँ से हमने अपने फोटो को कर लिया है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद गाइज, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्नैपसीड का आइकन मिलेगा, स्नैपसीड वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइज, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका फोटो यहाँ से इम्पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइज, आप फोटो को जूम करके देख सकते हैं, इस फोटो में काफ़ी ज़्यादा दाग हैं और गाइज पिंपल भी हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दाग और पिंपल ही रिमूव करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा गाइज, यहाँ से आपको टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे टूल देखने को मिलेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको हीलिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। हीलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा। तो गाइस, जहाँ पर भी आपके दाग या पिंपल हैं उसको आपको जूम करना है, जूम करने के बाद आपको वहीं पर ही इसको ड्रॉ कर देना है। सो गाइस, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिक आपके दाग या पिंपल हैं वो सारे रिमूव होने लगेंगे। सो गाइस, यहाँ से देख सकते हैं हमारे सारे जो दाग और पिंपल हैं वो सारे रिमूव होने लगे हैं। सो गाइस, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने फेस पर डोजन वन इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं, मतलब गाइस आप अपने फेस पर शाइनिंग लुक कैसे डाल सकते हैं। सो गाइस, यहाँ से इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। सो गाइस, यहाँ से हम कर लेते हैं अपने पूरे फेस के पिंपल को रिमूव। रिमूव करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, डन वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, यहाँ से आप अपने फेस को जूम करके देख सकते हैं कितने ज़्यादा पिंपल और दाग थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। सो गाइस, अब आपको करना क्या है, अपने फेस पर थोड़ी लाइटनिंग लाना है। तो लाइटनिंग लाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, टूल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे ऊपर ट्यून इमेज का ऑप्शन मिलेगा, ट्यून इमेज पर आपको क्लिक कर देना और इसकी ब्राइटनेस को गाइज आपको बढ़ा देना है जिससे हमारा फेस वाइट हो जाए। उसके बाद इसकी सेचुरेशन को गाइज थोड़ा सा कम कर देना है। कम करने के बाद गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, डन वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, अब हम करेंगे फेस को स्मूथ। स्मूथ करने के लिए आपको टूल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लेंस ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, लेंस ब्लर वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको इसको छोटा सा करना है। छोटा करने के बाद आपको ब्लू पॉइंट फेस के अलावा कहीं भी रख देना है। तो कहीं रखने के बाद आपको इसकी ब्लर की स्ट्रेंथ तो बढ़ा देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, ऊपर वाले टूल पर क्लिक करना है। ऊपर वाले टूल पर क्लिक करने के बाद इसकी व्यू एडिट पे जाना है। व्यू एडिट पे जाने के बाद आपको लेंस ब्लर में चले जाना है। लेंस ब्लर में जाने के बाद ये गाइस 100 इसकी ओपेसिटी देखेगी, तो आपको 75 रख लेना है। 75 रखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको अपने फेस पर इसको ड्रॉ कर देना है। सो गाइज, जब आप अपने फेस पर इसको ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिक आपका फेस यहाँ से स्मूथ होने लगेगा। सो गाइज, स्मूथ होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेस पर शाइनिंग कैसे डाल सकते हैं, मतलब गाइज कुछ ज़्यादा यूनिक ही शाइनिंग होगी वो। तो यहाँ से हम कर लेते हैं डन वाले ऑप्शन पर क्लिक। तो डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं गाइज हमारा फेस काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है यहाँ से। सो गाइज, अब हम डालेंगे इस फेस पर शाइनिंग लुक। तो शाइनिंग लुक डालने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं होगा, टूल वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइज ब्रश का, तो ब्रश वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रश आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज, पहला वाला ब्रश है जो डोजन वन, उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसकी ओपेसिटी को गाइज आपको रख लेना है 5। तो 5 रखने के बाद जहाँ पर भी गाइज आपके फेस पर शाइनिंग पड़ रही है, मतलब गाइज लाइट पड़ रही है, वहीं पे इसको ड्रॉ कर देना है। तो ड्रॉ करने के बाद यहाँ से गाइज यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको फेस पर शाइनिंग लुक देखने को मिलेगा। सो गाइज, यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारे फेस पर शाइनिंग लुक आ रहा है। तो गाइज, जहाँ पर भी हमारी लाइट पड़ रही है वहीं पर ही इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। सो गाइज, बहुत ही यूनिक ट्रिक थी ये फेस पर शाइनिंग लुक डालने की। तो गाइज, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज, यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारे फोटो में शाइनिंग लुक आ चुका है, मतलब गाइज पहले बहुत ज़्यादा पिंपल और दाग थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और गाइज शेयर करना मत भूलना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।